वादे किए हैं उनको पूरे करने की कोशिश करेंगे। वार्ड प्रतिज्ञा में हम बात करेंगे जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वार्ड 67 से निर्वाचित हुए पार्षद गणेश नारायण जाट से। गणेश नारायण जाट युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं, युवा मोर्चा के पदाधिकारी रहे हैं और युवा मोर्चा में रहते हुए ही उन्हें पार्टी ने पार्षद का टिकट दिया है। आखिरकार गणेश नारायण जाट ने चुनाव लड़ते समय जनता से क्या वायदे किए थे और उन वायदों को पूरा करने के लिए वो किस तरह प्रयास कर रहे हैं। माना यह जा रहा है कि जिस वार्ड से वो जीते हैं वो वार्ड सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में आता है और वहाँ के पार्षद भी बीजेपी के हैं और ग्रेटर में महापौर भी बीजेपी की है। ऐसे में माना जा सकता है कि वार्ड 67 के वासिंदों की जो मांगे हैं वो पूरी करने के लिए गणेश नारायण जाट है पूरा प्रयास करेंगे। आखिरकार उन्होंने पिंटू सिंह नरुका हमारे संवाददाता के माध्यम से क्या वार्ड प्रतिज्ञा की, देखिए हमारे साथ वार्ड प्रतिज्ञा में पिंटू सिंह नरुका के साथ। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 67 में जहां पर हम बात करेंगे वार्ड 67 के बीजेपी पार्षद गणेश नारायण जाट से कि उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली है, क्या संकल्प किया था इन नगर निगम के चुनाव में और उन अपने वादों को लेकर किस प्रकार से खड़े उतरेंगे। गणेश जी सबसे पहले इवेंट में आपका स्वागत है। नमस्कार। और स्वागत है। नगर निगम चुनाव में क्या संकल्प आपने किया था, क्या प्रतिज्ञा ली थी, क्या मुद्दे थे और उनको किस प्रकार से आप पूरा करेंगे? मेरे क्षेत्र में वार्ड नंबर में एक सबसे बड़ी समस्या हो तो मेरा वार्ड बहुत बड़ा बड़ा है और ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा मेरा वार्ड ज़्यादा फैला हुआ है। मेरे ऐसे मान लो मेरे इसमें ग्रेटर में और हेरिटेज में सबसे बड़ा वार्ड 67 ही है जो अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं है। और जहाँ भी जो डेवलप कॉलोनियाँ हैं जैसे आवासन मंडल की भी है, JDA की भी है, निगम की भी है, तो उनमें भी प्रॉपर ना तो साफ सफाई हो रही है, ना उनमें ड्रेनेज की सुविधाएँ हैं, ना कचरा डोर टू डोर उठ रहा है, ना पार्कों में कोई व्यवस्थित ढंग से है। पार्क जितने भी पार्क है वो पूरे उजड़ पड़े हुए पार्क हैं। शमशान घाटों की व्यवस्था भी सही प्रॉपर नहीं है, ना CCTV कैमरे लगे हुए हैं, ड्रेनेज की सुविधा नहीं है, सीवरेज सुविधा नहीं है, रोडें नहीं है, नालियाँ नहीं है। अभी तक हमारा पूरे वार्ड में कुछ भी सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। तो आपने क्या संकल्प लिया है कि 5 साल में इनको पूरा करेंगे और किस प्रकार से इनको पूरा करेंगे? मेरा सबसे पहला तो ये रहेगा कि मेरे पूरे वार्ड में सफाई है जो प्रॉपर होती रहे और डोर टू डोर जो कचरा संग्रहण का कार्यक्रम अभी बिल्कुल नहीं चल रहा है तो उसको भी प्रायोरिटी पे लेके कि घर घर रोज डेली कचरा वहाँ से उठ जाए। एक तो ग्रेटर नगर निगम में आपके बीजेपी का बोर्ड बना है, मेयर आपकी है, किस प्रकार से इसका पूरा भरपूर आप फायदा उठाएंगे ताकि आपके वार्ड में ज्यादा से ज्यादा काम हो? अमूमन देखने को मिलता है जब बोर्ड में कई बार विपक्ष के जो लोग होते हैं वो भेदभाव का आरोप लगाते हैं, काम नहीं होता, लेकिन आपको इस चीज़ की मदद मिलेगी, आपका बोर्ड है। देखो हम सब मिलजुल के काम करेंगे, जैसे हमारे सांगानेर में MLA साहब हमारे अशोक जी लाहौटी जी है, MP साहब रामचंद्र जी बोरा जी भी हैं, ऊपर तक भी गवर्नमेंट है, मेयर भी हमारा ही है, पार्षद भी हमारे ही हैं, तो सब मिलजुल के काम करेंगे और सबका सहयोग लेंगे और सबके सहयोग से ही काम करेंगे। ग्रामीण इलाका है, खासतौर पर कहीं ना कहीं वहाँ पर नई कॉलोनियाँ बसी है, अवैध जो अतिक्रमण के भी मामले हैं, कई प्रकार के वहाँ पर जो डेयरी से रिलेटिव भी मुद्दे हैं, उनको किस प्रकार से आप जनता के सामने उन मुद्दों को आप पूरा करेंगे? काफ़ी सारे ऐसे मामले हैं आपके वार्ड में। जो अलीगल होगा, जो डेयरियाँ होगी उनके लिए कार्रवाई करेंगे, बाकी तो मेरा वार्ड ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा है तो जैसे चल रहा है वैसे ठीक है क्योंकि वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, खुद की ज़मीनें हैं, काश्तकारों की ज़मीनें हैं तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। और अवैध कॉलोनियाँ वाला ऐसा कुछ हमारे वार्ड में ऐसा कुछ है नहीं। और जैसे JDA की जो कॉलोनी है, आवासन मंडल की जो कॉलोनी है, जो नगर निगम में हैंड ओवर जो कॉलोनियाँ हो गई उनको, उनकी जो साफ सफाई का मेन मुद्दा है और लाइट का है, ऐसे प्रमुख मुद्दे, ऐसे बड़े वादे जिनको आपने चुनाव में जनता के सामने वादे किए थे, प्राथमिक तौर पर 3 बड़े मुद्दे जिनको आप जो अपने कार्यकाल में प्राथमिकता से लेकर उनको पूरे करने की कोशिश करेंगे? एक तो मेरा सफाई को लेकर बड़ा मुद्दा था कि वार्ड की प्रॉपर सफाई होती रहे, दूसरा सड़कों को लेकर था और तीसरा मेरा सुरक्षा को लेकर भी था कि आजकल वार्ड में छोटी छोटी चोरियां ये खूब होती रहती है तो इसके लिए भी हम विकास समितियों से बात करके या तो नाइट गश्त के लिए निगम से बात करेंगे, निगम उसको चौकीदार लगाया या विकास समिति से बात करके है तो उनके थ्रू भी हम विकास समिति से बात करके भी ऐसी कुछ इसकी प्रॉपर व्यवस्था करें। तो ये है जयपुर ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 67 से बीजेपी पार्षद गणेश नारायण जाट जिन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि अपने वार्ड में सुरक्षा दृष्टि से उसको मजबूत किया जाएगा और तमाम जो विकास समितियां हैं उनसे बात करके वहां पर रात्रि ग्रस्त की व्यवस्था की जाएगी या CCTV कैमरे लगाए जाएंगे ताकि वार्ड में सुरक्षा जो है
वो पूरी तरह से चाक चौबंद हो और साफ सफाई की व्यवस्था पूरी प्राथमिकता में रहेगी और साफ सफाई के लिए अपने वार्ड को स्वच्छ बनाने के लिए पूरे 5 साल के कार्यकाल में ये प्रयास